subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. See, we are very excited. The BCL season has started again, and as last year, I think this year, jada excitement ho rahi hai. Mumbai Tigers team, I'm the sponsor in that also. My company's name is Johari, and we are sponsoring that, as well as we are part of the team also. And we are very excited because this time Mumbai Tigers is with us, with a good players and strength, and we are very confident of winning this tournament. क्या स्ट्रैटेजी क्या, वी हैव द बेस्ट प्लेयर्स. स्ट्रैटेजीज तो यही होती है कि अच्छा खेलना है, अच्छी बॉलिंग करनी है, अच्छी बैटिंग करनी है, अच्छी फील्डिंग करनी है, यही स्ट्रैटेजी है. और अपने पास प्लेयर्स अच्छे हैं. वी हैव लॉट ऑफ टॉप प्लेयर्स ऑफ BCL. शुएस हमारे साथ है, बलराज हमारे साथ है, मयंक हमारे साथ है, और दो तीन प्लेयर्स और भी हैं. आरती हमारे साथ है. अच्छी गर्ल्स पावर भी बहुत अच्छा है हमारे पास. सो वी विल डेफिनेटली दिस टाइम विन, दैट्स फॉर श्योर. थैंक यू. आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बिकॉज काफ़ी टाइम बाद BCL लौटा है. आई थिंक एक साल के गैप के बाद आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है आई थिंक मेरे लिए, स्पेशली बिकॉज मैंने अभी एक MTV का शो भी ख़त्म किया है, स्प्लिट्सविला. सो यू नो, टू एसोसिएट अगेन विथ MTV एंड यू नो टेक पार्ट इन अनदर रियलिटी शो, दैट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. और एक कह सकते हैं नई जर्नी है मेरे लिए, तो आई एम तो सुपर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो आई थिंक BCL का क्रिकेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. आई थिंक ओवर्स छोटे होते हैं, इट्स ओनली 10 ओवर्स का मैच, एंड इंडोर क्रिकेट रहता है. सो इंडोर क्रिकेट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस पर्सनली. मैंने जितना भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला है, आउटडोर खेला हुआ है, सो इट्स गोना बी डिफरेंट. आई नो फॉर श्योर इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन. BCL का फर्स्ट सीजन खेलने वाली है, क्या स्ट्रेटजी बनाई है अपने तरफ से, और मतलब क्या पहले सीजन फॉलो किया? ऑफ कोर्स फॉलो तो किए हैं, देखा है, काफ़ी सीजन्स देखे हैं BCL के. स्ट्रैटेजी आई गेस सिंपल होना चाहिए. जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप फोकस करोगे, आई थिंक प्रॉपर टीम प्ले होना चाहिए. अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज़ बीन पुट इनटू आवर प्रैक्टिसेस. हम लोग रोज लेट नाइट तक प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पर भी हम काफ़ी स्ट्रैटेजीज इनबिल्ड करने की कोशिश करते हैं, अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं. व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम फॉर्म करें इस बार. हमारे लड़के ही नहीं, हमारी लड़कियाँ भी इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले करेगी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. आई थिंक सुयश, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर. वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, आई थिंक बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, तो आई एम रियली लुकिंग फॉर टू सेम प्ले. मैंने तो सब कुछ किया है, मैंने फील्डिंग की है, मैंने बॉलिंग की है, मैंने बैटिंग की है, हर चीज़ की प्रैक्टिस की है, बिकॉज यू नेवर नो. मुंबई टाइगर में आप क्या करते हैं, बैटिंग बॉलिंग सब करेंगे? आई होप जो मौका मिलेगा मैं सब कर दूंगी, छक्के छुड़ा दूंगी. जी हाँ, हम दोनों ने साथ में शो किया था स्प्लिट्सविला, एंड आफ्टर दैट ही वो बिग बॉस में चले गए. तो आई गेस वहाँ पर उनका जो एटमोसफेयर था कम्प्लीटली डिफरेंट था कम्पेयर टू जो स्प्लिट्स में था. एक ज़्यादा बड़ा रियलिटी शो था बिग बॉस उनके लिए, तो ऑब्वियसली उनको जो कहते हैं कि नई नई स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी पड़ी. अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने वहाँ अप्लाई की जो उन्होंने स्प्लिट्सविला में नहीं किया था. अलग से उन्होंने गेम प्ले किया है, जो कि ठीक है, कुछ चीज़ें उनके फेवर में गई और कुछ चीज़ें उनके फेवर में नहीं गई, बट वहाँ उनको और ज़्यादा रिकग्निशन मिला था. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम इन दैट सेंस. सी बिग बॉस में कौन नहीं जाना चाहेगा, वहाँ सलमान है और बहुत बड़ा रियलिटी शो माना जाता है यहाँ पर. सो ऑफकोर्स अगर मौका मिले तो बिग बॉस में ज़रूर जाना चाहूँगी, एक्सपीरियंस करना चाहूँगी, बिकॉज मैंने एक रियलिटी शो किया है, मैं जानती हूँ कि कितना स्ट्रेसफुल होता है, बट इवन देन वहाँ पर रहना भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है. थैंक यू सो मच. Oh, I'm playing first time in Tiger Mumbai and first time in BCL. I'm officially tied with I'm a DJ, so I'm official DJ in Mumbai Tigers. So welcome to the jungle, guys. We hunting every match. You guys see what we do. So I'm so excited, and for me is new experience. So let's see what's going on. And I like Mumbai Tiger team. Everyone is nice, good actor, good team.
all good performance everywhere in screen and pitch both. वो तो आप देखेंगे तभी पता चलेगा, पर मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है अभी, एंड स्पेशली वो टीम में मैं हूँ तो मुझे और भी अच्छी वाइब्स आ रही है. तो दिस इज माई व्यू फॉर माई टीम. थैंक यू. रणनीति तो पता नहीं, पर टेंशन बड़ी चल रही है. शूटिंग से भगा के लाए हमको अभी अभी, ऊपर से रास्ता भी नहीं पता है. पार्टी करने वाला आदमी हूँ नहीं मैं, मेरे को बॉम्बे का ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई है. और रणनीति कोई नहीं है यार, अच्छी टीम बनी है और टीम अच्छी है तो इसलिए थोड़े कॉन्फिडेंट भी हैं कि इस बार मुंबई अच्छा कर पाएगी. काफ़ी सारी टीम्स में बहुत सारे दोस्त खेलते थे हमारे, जो अपनी अपनी नेटिव टीम्स को छोड़कर हमारे साथ आए हैं. रणनीति ये है, अच्छा क्रिकेट खेलो और किसी को लाइटली मत लो. सब टीमें मेहनत कर रही हैं. 35 लोग हमारे साथ थे, उनमें से 16 लोगों को चूज़ करेंगे और बाकी 19 का 3-4 दिन व्हाट्सएप पर जवाब नहीं देंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे. ये उठाएंगे, मैं नहीं उठाऊंगा, ये उठाएंगे, इनका नंबर मैं दे दूंगा, सबका फोन उठाएंगे. लेकिन हमारी कोशिश ये है कि 35 में से बेहतरीन जो 16 खेलने वाले लोग हैं और जो अच्छे चेहरे हैं, क्योंकि BCL को चेहरे भी चाहिए और क्रिकेटर भी चाहिए. क्रिकेट को प्लेयर चाहिए, BCL को चेहरे चाहिए. उसको मिक्स कैसे करना है, यही लड़ाई है. और इस लड़ाई में जो जीतता है वही BCL जीतता है. नाम पे रखा है कि मुंबई टाइगर, किस तरह से दहाड़ने वाले यार? दहाड़ तो ग्राउंड पे, दहाड़ ग्राउंड पे, क्रिकेट फील्ड के ऊपर. मुझे, मैं हमेशा से ये मानता हूँ क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, हम लोग, मैंने बहुत क्रिकेट वैसे खेला है BCL के आने से पहले भी. हमारी एक बहुत अच्छी टीम है TV एक्टर्स की, तो हम हमेशा ये मानते हैं कि इधर उधर की बातें कर लो, जो दहाड़ है वो ग्राउंड के ऊपर. जब हमारी लड़कियाँ खेलेंगी, हमारे लड़के खेलेंगे, लड़कियाँ हमारी लड़कों से कम नहीं हैं, और जब हम खेलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि टाइगर दहाड़ते कैसे. ये तो ज़ख्मी टाइगर है, 3 साल से घायल हो रखे हैं ये शेर, तो घायल शेर थोड़ा खतरनाक वैसे ही हो जाता है. मैदान पे क्या प्लानिंग करके चलते हैं जब टीम में उतरते हैं, 11 से स्टार्ट उतरते हैं, किस तरह की प्लानिंग रहती है आपके माइंड सेट में सामने वाले? सबसे पहले तो ये रहता है कि जो 11 खिलवाने हैं वो मिल जाए, सबसे बड़ी वो रहती है. उसके बाद फिर हमारे कोचिंग स्टाफ है, कैप्टन है, वाइस कैप्टन है. हम लोग क्या ना, हमको पता नहीं अपोजिट टीम कैसी खेलने वाली है, तो वो प्लानिंग अभी आपको बता नहीं सकते कैसी रहती है. प्लानिंग ये रहती है कि दूसरों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और दो प्लान लेके जाना पड़ता है ग्राउंड के अंदर. प्लान ए अगर फेल हो गया तो बी प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ता है. तो वो क्या है वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो हमने अभी बनाने हैं और बनाए भी तो बताते नहीं आपको, क्योंकि आप सारे चला देंगे और चलाने के बाद में फिर आप अपोनेंट टीम को हमारे सारे राज बता देंगे. उन राजों को छुपा के रखना है और खेलना अच्छा क्रिकेट है इस बार मुंबई टाइगर्स. ये हम दोनों कह सकते हैं कि मुंबई टाइगर्स इस बार जो जिस पोजीशन पर रही थी 3 सालों में, उससे बहुत बेहतर रहेगी, बहुत बेहतर स्थिति में होगी. क्योंकि हम आज सुयश, शिखा, आरती, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं. अभिलाष, आलोक है, अभिलाष, गौरव बजाज, मनु पंजाबी जैसे अच्छे प्लेयर्स और अच्छे चेहरों को लेके आए जो बहुत अच्छा पीछे भी खेलते रहे, तो मुझे लगता है कि हम और जस्टिफाइड क्रिकेट खेलेंगे. सबसे बड़ा प्लस इस टीम का ये क्या है कि इसमें सब लोग खेलने वाले हैं. और आज प्रॉमिस डे है, पता नहीं ये कौन से डे वाला वीक चल रहा है, रोज डे, प्रॉमिस डे, वैलेंटाइन वीक चल रहा है. तो प्रॉमिस डे पे एक प्रॉमिस ये है कि मुंबई टाइगर्स क्रिकेट बहुत अच्छा खेलेगी और क्रिकेट के मामले में कोई हमें नौसिखिया नहीं करार देगा, ये हमारा आपसे वादा. अच्छा, आपका फेवरेट कप्तान कौन है? बात करें क्रिकेट में, जैसा मुंबई टाइगर के कप्तान है, किसको किसको फॉलो करते हैं कप्तान? यार मैं विराट कोहली, मैं हमेशा से ही सौरभ गांगुली मेरे फेवरेट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस वक्त टीम बनाई उस वक्त टीम के बहुत बुरी हालत थी. सचिन सर कप्तानी छोड़ चुके थे, फिक्सिंग में इंडियन टीम उलझी हुई थी, कोई खेलने वाला नहीं था. तो उस टाइम पे फिर नए लोगों को लेके आगे टीम बनाई, फिर उसमें सहवाग हो, चाहे भज्जी पा हो, चाहे गौतम हो, जहीर हो, यूबी पाजी हो, ये सारे लेजेंड उन्होंने क्रिएट किए हैं. तो मेरे को लग रहा है उनसे बेटर, हालांकि ट्रॉफी ज़्यादा वो धोनी भाई के नाम पे बोलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दादा से बेहतर कप्तान शायद इंडियन टीम को अभी तक नहीं मिले. थैंक यू सर. थैंक यू. हाँ दादा, लेना नीचे बैठना, बस चले बस मारूंगा अगर कुछ बोल लिया तो, समझ जाना. यार मैं तो खेल भी नहीं रही हूँ, मेरे पास इतने माइक्स की सपोर्ट करें. या BCL नया सीज़न, नई टीम के साथ हम वापस आ रहे हैं. वी प्लेइंग फॉर मुंबई टाइगर्स एंड आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज
टीम्स जो डिवाइड हुई हैं वो अच्छा ही है बिकॉज इन अ वे बिकॉज कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया है. पहले सिर्फ दिल्ली 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 ही जीतता था तो अब थोड़े मेम्बर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए इधर उधर तो इट्स बेटर एंड वी हैव काइंड ऑफ मेड अ गुड टीम सो फिंगर्स क्रॉस लेट्स सी क्या होता है. खेलने वालों से ज़्यादा चीयर अप करने वालों से जो मोटिवेशन बढ़ता है तो क्या स्ट्रैटेजी बनाई है कैसे चीयर अप करने वाले हैं. वेल मैं तो कल पहला दिन गई थी प्रैक्टिस पर और मुझे तो मतलब एकदम पैल्पिटेशंस हो रहे थे बिकॉज आई वाज लाइक यार कैसे होगा टीम का है ये बिकॉज मैं जब BCL खेलती हूँ तो लोगों को लगता है ये तो कुछ नहीं करती है तो क्या इतना इसका इन्वॉल्वमेंट क्या है. बट आई एम लाइक लिटरली आफ्टर द टीम एंड आफ्टर द प्लेयर्स ऑल द टाइम एंड आई एम लिटरली लाइक यू नो लुकिंग इन टू स्मॉल स्मॉल थिंग्स के किस कौन अच्छा है कौन नहीं है यू नो ऑल ऑफ दैट. तो नॉट दैट आई एम अ गुड जज ऑफ इट बट स्टिल तो आई काइंड ऑफ हेल्प विद ऑल दैट एंड दैट इज़ व्हाट आई डू. सो यही है कि सपोर्ट करेंगे पूरी टीम को बहुत अच्छे से एंड उन्हें हौसला एंड उनका मोराल बूस्ट करते रहेंगे टाइम टू टाइम. नहीं वो कल हमारे कोच आ रहे हैं चंडीगढ़ से जो सुयश को कोच करते थे तो वो आ रहे हैं तो आई एम श्योर ही विल डू हिज जॉब. आई विल नॉट नीड टू डू एनीथिंग देन. थैंक यू.
on to here. That's it. बड़ा महंगा पड़ता है कि अपने पढ़ना 50,000 रुपये में 2.5 लाख पढ़ने वाला छूट छूट गया है क्या करें अपने सारे मेरे टोंडे मेरे साथ हैं सबसे अच्छी बात क्या है इस टीम के अंदर स्टार भी हैं खिलाड़ी भी हैं लेकिन ये कौन बोल रहे हैं इस टीम के अंदर एमटीवी के स्वेगर भी हैं मतलब मैं यार ऐसी बातें करता रहता हूँ मेरे को पैसे मिलते इस काम के बट इस टीम का सबसे प्लस यह है कि हम लोग सिर्फ विजिटर के टाइम पर इकट्ठे नहीं होते कि हम 15 दिन के लिए मिले हैं प्रैक्टिस करेंगे और क्रिकेट खेलेंगे हम लोग एक दूसरे को सालों से जानते हैं सुयश है मयंक है सिट है मनु है अर्जुन है हम सब लोग ऑफ द फील्ड भी एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो कैमरा बंद होने पे आपको बताया जाएगा क्योंकि अभी कैमरा चल रहे हैं और जो भी चल रहा है तो रेपिटेशन देख के होती है और मैं बहुत खुश हूँ मेरे को इतनी अच्छी टीम मिली है पर ये बहुत दुखी है क्योंकि मैं इतनी मर्जी का कोई भी प्लेयर खिलाने वाला नहीं हूँ बट किसे चलिए ये हम दफ्तर में बैठ के डिसाइड करेंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम के जो लोग हैं यहाँ पर अगर मैं अच्छा मेरे पास सीक्वेंस भी है ऐसा ना कि हमारी दारू पी के हमें जूते मार के निकल जाए बाकी के बाहर तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई मेरी जान हमारी टीम का सबसे बिगड़ा हुआ आदमी और वो जिसको हमेशा हर जगह अपनी बीवी को साथ में लेके जाना पड़ता है ताकि वो अपनी हद में रहे नाम बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है उसको अपने आप आ जाना चाहिए आ जाओ के थोड़ी बेइज्जती और करूंगा मैं सुरेश कहाँ है भाई आ जा ये वो आदमी है ये पता नहीं मतलब ऑन दिस साइड मुझे लग रहा था फाइनली अर्जुन बिजलानी का नाम लेगा ऐसा क्यों नहीं हुआ मेरा नाम क्यों लिया भाई तुम नहीं उन्होंने बोला मतलब सबसे बिगड़ा हुआ उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके लेकर स्टार बाद में बने ये मेरी टीम की जान है ये मेरा सबसे अच्छा बॉलर है मेरा बहुत प्यारा दोस्त है इसके बाद एक अभी वो आदमी जिसकी शादी भी हो गई फिर भी दिमाग ठीक नहीं हुआ मयंक गांधी अपनी बीवी का हाथ छोड़ के कृपया स्टेज पर आए ये हमारा विकेट कीपर बैट्समैन ये हमारी टीम की जेठानी है जिसे हर बात में बोलना होता है हर बात में उंगली करनी होती है पर मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार में तो बेस्ट ओपनर बीसीएल ने वेदर प्रोड्यूस और कुछ कहना चाहिए धन्यवाद शादी के बाद यही बोलने को बचता है आई एम सॉरी और थैंक यू इसके बाद अरे बाप रे लड़कियों के नाम पर धोखा बर्थडे में गया था मिली थी हैप्पी बर्थडे एक बार इसके लिए गाना गा के था ये लड़कियों को लगता है कि दो चोटियां करने से वो छोटी दिखना लगेगी इसने सोचा एटलीस्ट एक करके ये तो लग ले ये इकलौती ऐसी फीमेल बॉलर है जिसने बीसीएल में 2 ओवर डाले आज तक किसी लड़की ने डाले नहीं तो एक बार जोरदार ताली शिखा के लिए होनी चाहिए बता सर कैप्टन सर मतलब दो चोटियां दो ओवर कुछ कोरिएट करना चाह रहे हैं नहीं बस शादी उसकी एक ही है स्टे आउट ऑफ इट थैंक यू सर और शिखा हमारी टीम की जान है ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है हमने टीवी शो भी बहुत सारे एक साथ किए और अब हम फाइनली एक साथ खेलेंगे शिखा आपको कुछ कहना थैंक यू प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू विन द कॉन्टेस्ट कम ऑन लेट्स डू दिस इससे ज्यादा क्या करूं मतलब बिना नाम लिए ये होती दोस्ती पता है आंख का इशारा बहुत होता है ये मेरा भाई मनु पंजाबी बिग बॉस 11 और अरे एक मिनट मैं 11 में गया था मुझे ये वहीं पे मिला था मैं अंदर घुस रहा था या बाहर आ रहा था 10 मैंने देखा नहीं मैंने बाद में देखा भूल पे जब मेरे को कलर से शो दिया मैंने तब देखा मैं पहले नहीं देखता ये बिग बॉस 10 बिग बॉस 11 ये 12 में भी जाएगा क्योंकि अभी तक ऐसा लफंगा लौटा मिला नहीं है बिग बॉस वालों को
तो इसको बार बार रिपीट करते रहते हैं, भाई क्या कहना चाहोगे? मेरी मम्मी कहती थी कि जब तुझे तेरे जैसा लड़का मिलेगा ना, तुझे एक बार में पहचान लेगा, ये पहचान गया मेरे को। शुक्र है ये नहीं बोला जब तुझे तेरे जैसा लड़का मिलेगा वही शादी कर ले। एक बार मनु के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हाँ जी, मेरी टीम में ना पत्नी पीड़ित पति बहुत है। इस आदमी का भी मैं नाम लूंगा, अपने आप आ जाएगा ये। कहाँ हूँ भाई, बीवी को छोड़कर शराबे पीने आगे और केले केले। हेलो मिरुला, अमर अमर आ जाओ, बाबू बाबू आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, एक बार जोरदार ताली आ जाए मेरे भाई। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत ज्यादा बीमार था, एक बहुत बुरी इंजरी हो गई थी इसके हाथ में, और आप देख सकते हैं, और यहाँ से पैर से कुछ निकाल के यहाँ पर सर्जरी करके इसका हाथ सही किया, और इसने फिर भी बोला कि भाई मैं खेलूंगा, मैं पूरी तरह तैयार हूँ तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो एक बार इसकी स्पिरिट के लिए ताली होनी चाहिए। आप यहाँ कुछ कहना चाहते हैं? घर में तो नहीं कह पाते होंगे। मुंबई टाइगर्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, मतलब बाबा जी दी मेहर होवे, करी जा तू मेहनत, जीत तेरी तेरी होनी, वेखी जा तू बंदिया। इसका मतलब यह कि ऊपर वाले की दया से अगर तुम मेहनत करोगे तो कोई माई का लाल तुम्हें नहीं रोक सकता, जीत तुम्हारी होगी। अभी एमटीवी का वो स्टार जिसको मैंने गलती से स्टार्टर बोल दिया है, टैटू की दुकान, आ जाओ भाई साहब, सिद्धार्थ के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। एम पी भी देखता ही ना, अभी शुरू करेंगे। ये मेरा भाई है, कितने टैटू है तेरी बॉडी? अभी तो दो दिन ही है। इसने पता तीन चार दिन पहले ऐसे अपने गले में मोटी चेन भी पहनी हुई थी, आज भी पहनी, निकाल दी ना, सोने की चेन पहनी थी, निकाल दी। मम्मी का पेंडेंट था, मतलब चेन थी। भूकंप करवा घर ले। थैंक यू बल्ली भाई, आई लव यू, आई लव मुंबई टाइगर्स, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई थिंक मुंबई टाइगर्स आर रियली गोना रोर दिस ईयर, और अपा जीत लगे। इसके बाद अभिलाष आया, ये आदमी इसकी डेडिकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। ये हमारा हमारी नई फाइट है, ये इस साल पहली बार जुड़ा है हमारे साथ। ये बेसर से आता है प्रैक्टिस करने पर, सो कितना वेला होगा सोचते हैं, बट बहुत बहुत डेडिकेटेड, बहुत ही अच्छा प्लेयर है अभिलाष। अभिलाष कुछ कहना? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए आ रहे आप इधर, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर सम ग्लैमर नाउ। खतरों के खिलाड़ी, एक ही लड़की थी खतरों की लड़ाई में यहाँ पर, शाइनी दोषी कहाँ है आप? शाइनी आई है, शाइनी आई सर, शाइनी नहीं नहीं नो, शाइनी ऑन द वे है, तो आप जाइएगा मत, आपको ग्लैमर वहीं से मिलेगा, ग्लैमर बट क्या मिलेगा। चलिए एक और है ससुराल सिमर का, आइए टेलीविजन के एक्टर आने शुरू हैं, ये टीवी की बहू हैं, इनको बुलाइए जरा स्टेज पे। आओ बिठाने करने के लिए जोरदार सीढ़ियां आ रहे हैं, एक बार तालियां तो लड़कों के लिए बजाते हैं अर्जुन, क्यों सीढ़ियां होनी चाहिए? ये क्या जिंदगी है ना, ये डेली सो पालन कैसे, ये डेली सो पालन लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेडिंग पता क्या है, ये सारे टीवी वाले रिलेट करेंगे, अर्जुन भी रिलेट करेगा मेरा भाई। ये जैसे ही प्रोड्यूसर को बोलते हैं ना कि मेरी पेमेंट बढ़ा दो, इनकी फोटो दीवार पर टांग देते हैं। उनको मक्खी ने रिप्लेस कर दिया शो पे, और मैं सोच रहा हूँ मक्खी को कास्ट किसने किया होगा, उसके ऑडिशन किसने लिए होंगे, आपकी एजेंसी है ना, कास्टिंग करते हो आप, ऑडिशन करते हो, तो मक्खी को ब्रीफिंग का क्या था, मक्खी को इसीलिए चल रहा है पता है।
बिचारी कैसा बैठा टीम में? मैं बहुत नर्वस और एक्साइटेड दोनों हूँ, स्पेशली क्योंकि आप हो ना कैप्टन, पता नहीं कब क्या बोल दो करवा जाओ इसलिए। ये तो मेरे चरित्र पे लांच हो गया। आ जाइए आप इस तरफ। मिस इंडिया एक ही है पूरे हॉल में, कहाँ हो भैया, आ जाओ। इतनी सुंदर लड़कियां टोटल हमारे शहर में नहीं कितनी आ जाएंगे इकट्ठी, नहीं पता। आ जाओ, ऐसी लड़की हम सपने में देखते थे बचपन में। इतनी सुंदर लड़की जिंदा मैंने पहली बार देखी अपनी लाइफ में। पूर्वा कैसी हैं आप? वो तो हमें पता, बहुत अच्छी है। मैं थोड़ा हॉट फील कर रहा हूँ जी। आप एक मिनट बात करेंगे, आप ये फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ी कैसे? इतनी ऊंची हील पे, इसको इतनी ऊंची हील पे चढ़ कैसे जाती हैं आप लोग? इसको देख लो, पता नहीं चल रहा जल्दी में कपड़े पहन गए कि देर पहन के आई। आज तुमने मेरी कमी पूरी कर दी, तुम पूरे कपड़े पहन लो। तुम्हारे 25,000 उन्होंने काट देने, तुमको पता नहीं है मेरे से क्या लग रहा है। तुमको क्या लग रहा है गुप्ता जी ऐसे ही है, मारवाड़ी है वो? एक बार ना एक मारवाड़ी ऐसे लटक रहा था पहाड़ के नीचे, गिरने वाला था बेचारा खाई में, तो दूसरा उसके पास है, उसने बोला हाथ दे, उसने हाथ नहीं दिया मर गया। क्योंकि अगर वो बोलते ना हाथ ले तो पकड़ता, ये होते मारवाड़ी। तो ये गुप्ता नहीं है, आप नहीं हो, ये हमारा हमने जो सुनाना सुना दिया। हिंदी में बोलो ताकि मेरे को भी समझ आए। चलिए जोरदार तालियां पूर्वा के लिए। ये माइक पर कितने मिनट आलो गर्म हो गया। चलिए बॉल हो गया ग्लैमर, अभी थोड़े से गंदे चेहरे फिर से देख लिए जाए। पीयूष शर्मा कहाँ हो? पूरा बैलेंस बना के रखा ना, पहले चार गंदे लौंडे फिर तीन अच्छी लड़कियां फिर लौंडे। ये इकलौता स्पिनर है जी बीसीएल में, अब पता नहीं हमें क्या होगा। हम भी घबरा है भाई, कैसा लग तो बाहर निकाले, ये मेरा थैंक्स करना था, मैं इनका क्यों कर रहे हो? बुलाया उसके अंदर, बट थैंक यू सो मच जी। आप ये रखना पहले वाला काट दो, पहले काट के कब किसी ने खेला पहली बार तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये मेरा भाई है, बहुत ही मेहनती लड़का है, आप भी आ रहे हो इधर। इसके आगे कौन है? चिराग सेठी का है, आया नहीं, इसकी प्रोफाइल भी इंप्रूव हुई है। मयंक इधर आ बेटा, कहा इधर आ, तेरी बीवी मैंने कहा तू ही बुलाए, मैं बुलाऊ गुस्सा रहना कर जाती हूँ। एक बार हुनर गांधी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, हमारी भाभी आ रही है, कहाँ है हमारी हमारी अर्धांगिनी, कहाँ है आप? आ रही है हमारी, मतलब मेरी, मतलब वो यूपी की भाषा है तो अलग ही उस पे चलेगा। यूपी में इतने हैंडसम लड़के हो, आपको क्या कहना है आपका पति को आपके साथ? अच्छा ये बताओ घर में खाना कौन बनाता है? घर की बातें घर पे ही अच्छी लगती है, यहाँ पे नहीं। ये हाथों पे रैशेज क्यों हैं? ये वाले इसको रैशेज बोलते हैं, और ये ब्यूटी लाइन है, पटना कौन होता घर में? देखो क्या होता है कि अगर आपको प्यार और चाहिए ना तो कभी कभार मेरे को कहता मैं जब तक घर नहीं जाता ना प्रैक्टिस से, मेरी बीवी खाना नहीं खाती, मैंने कहा इतना, मेरे कहता नहीं मैं बनाता हूँ फिर खाती है। मतलब पूरा एजेंडा है आज आपका कि हमारी खिचाई कर रखा है। नहीं यार उन्होंने बोला है दो लाख फॉलोअर लेके घूमती इंस्टाग्राम पे, आश्रम में जाऊंगा मैं।
तुम्हारी शादी होगी हमारी होनी अभी कुछ भी बोलने गुप्ता जी पता है कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है एमटीवी का शो खत्म करके फिर से एमटीवी का रियलिटी शो कर रहे हैं एक्साइटिंग है आपको लग रहा है पहले भी एमटीवी अभी एमटीवी ग्रो कर होगी एमटीवी से बड़ा प्यार है हमें भी एमटीवी की लड़कियों से बड़ा प्यार है ये तो सिद्धार्थ चोटी रख ले मैं तो उसको भी पटा दूँ चलिए थैंक यू निवेदन आ जाइए जी ये सवाल है पता है कैसा लग रहा है आपको आज आपको होली की बारूदी लगने लगी इसलिए मैं ड्रिंक करूंगा तो यहाँ पे हैं तो जीतने के बाद शराब लेके तो यही रहेगा जान खान नहीं आया रश्मि झा नहीं है इच्छुक वैद्या कृष्णा I'm sorry, आज हम इसको बोलने का मौका देंगे इसकी बीवी को बुला
थैंक यू सो मच। जोरदार सीटियां शाइनी दोषी खतरों के खिलाड़ी से लिमिट होकर डायरेक्ट यहां पर आ रही है। आई 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 पैसे इसको मिल रहे मेरे को मिल रहे हैं कैप्टन बॉलिंग का तो मेरे को बता दे मैं भी कुछ ऐसा पहन के आ रहा था एंकरिंग करनी थी तो मान भी कपड़े तो पहन के आया हूँ क्या क्या पैसा मैंने फ्री में खेलना है अरे क्या जबरदस्त चोट चुन के लेके आया बता शुक्र है भगवान का मैंने शादी नहीं की नहीं कैसा लग रहा मैं कैसा लग रहा ये इस लड़की का डिग्री पब्लिक के लिए ज्यादा तो मुंबई टाइगर से आप खेलने के लिए एक्साइटेड है अच्छा ये पहले टीम से बाहर होगी बोल रहे थे लाइफ में बस क्रिकेट नहीं खेला हमें ऐसे प्लेयर चाहिए ताकि हमारी सिलेक्शन आसान हो सके उसको प्रैक्टिस बोलते हैं रिहर्सल शो की होती है आपको रियलिटी टीवी वालों को हर जगह रिहर्सल दिखती है साइनी ये संतोष गुप्ता जिनको अभी रश्मि ने बुलाई सबसे हैंडसम लड़कियां टीम के तो आप इस पाप में उनकी भागीदार बनना चाहते हैं एक तो आदमी जिसके पास साइन होना उसकी ड्यूटी ड्रीम करनी पड़ती पता है ऐसा नहीं चलिए थैंक यू सो मच आइए जोरदार तालियां चाहिए के लिए कैसा लग रहा है नर्वस एक्साइटेड मेरा पहला एक्सपीरियंस है तो चुप रहना सिखाऊंगा अगर प्रेम में ना आए तो चुपचाप बैठना तो संतोष जी को इस लड़की ने भी हैंडसम बोला है क्या बात है बकायदा भेज दिया है इस एज में आपको तो भगवान से सिर्फ 5 मिनट छोटे हैं आप इतने पुराने हो सर जी थैंक यू सो वेरी मच आ जाइए आप भी सर कौन था सूरज की बीवी हमारे बीच तो आपको कभी घर पे ऐसा लगता है कि बीवी नया छोटी वो बना के घूमता रहता है कंफ्यूजन नहीं होती घर में मैं सिंगर हूँ साले मैं रात को 90 भी पहनता हूँ कैसा रहता मैं तेरे को क्या प्रॉब्लम है तेरे आदमी कुछ भी कर सकता है तेरी जिम्मेदारी शादी शुदा है तू अच्छा आप ये देखो आदमी पैसे के लिए क्या नहीं करता है शो में बहन बनी उसकी बताओ इतना क्या लालच है पढ़ने का आपको पूछे 6,500 रुपए के लिए पति को भाई बना लिया बोलो
Thank you.